नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। जितने लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आगामी भर्तियां हैं उस पर मैं परिचर्चा करूँगा। उससे पहले जो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे दूँ कि परीक्षा प्लस टीम के द्वारा एक जो मुहिम चलाई गई है कि हर संडे को फ्री टेस्ट सीरीज़ कराया जाता है, जिसमें इस संडे को 26 तारीख को दो टेस्ट आपके रखे गए हैं, जो आपके एक है आपका पीटी का टेस्ट और दूसरा जो टेस्ट है आपका यूपीपी कांस्टेबल का टेस्ट है। ठीक है, तो जो भी बच्चे इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पीटी के, तो सभी बच्चे करते हैं क्योंकि पीटी अनिवार्य है। अगर आपको लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का कोई भी एग्ज़ाम देना है, चाहे वो लोअर पीसीएस हो चाहे जो भी हो, आज जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं उसके लिए पीटी का स्कोर आपके लिए चाहिए तो वो बच्चे दे सकते हैं। कांस्टेबल की जो तैयारी करने वाले, सबसे बम्पर पोस्ट आ रहा है, 35,000 प्लस पोस्ट आ रहा है, उसकी जो तैयारी करने वाले हैं वो टेस्ट दे सकते हैं। 26 तारीख को 11 बजे से टेस्ट जो है आपके परीक्षा प्लस ऐप पर लाइव हो जाएंगे। तो जो लोग भी परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं वो ज़रूर इंस्टॉल कर लें। अब जो मेन मुद्दा है जिसके लिए मैं आज यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो 2022 में भर्तियाँ आनी है उस पर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें तीन जो हमारे पास उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो बोर्ड हैं, एक आपका पुलिस बोर्ड है, एक अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है और एक आपका लोक सेवा आयोग है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो सबसे सुचारू रूप से जिसका काम काज चल रहा है कि जो डेट बता दिया जाता है, जो कैलेंडर दे दिया जाता है, उसी पर हर एक एग्ज़ाम होता है, उसी पर रिजल्ट आता है, उसी पर आपकी आगामी एग्ज़ाम जो परीक्षाएँ हैं वो भी होती रहती है। तो वो आपका उसमें जो सही साबित हो रहा है वो आपका लोक सेवा आयोग है। तो अभी जो इन्फॉर्मेशन मिली है आयोग की तरफ से, जो एक तरह से अधियाचन जो जो विज्ञापन आपके पोस्ट के पहुंचे हैं वो उनमें मैं बता दूं कि अभी जुलाई में, ये ध्यान से सुनिएगा, जुलाई में खंड शिक्षा अधिकारी की जो है वैकेंसी वो आपके सामने देखने को मिलेगी और जुलाई लास्ट से लेकर अगस्त तक, मिड अगस्त तक आपको आर ओ ए आर ओ का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है 2022 के लिए। और पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, पीसीएस तो आपका होना ही होना है, वो अपना सुचारू रूप से चलता है, हर साल आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीसीएस वाले में आपको अपर पीसीएस के लिए कुछ सोचना नहीं है, उसका तो होना ही। अभी आपका 22 का एग्जाम हो गया तो उसके लिए तो साल भर के भाई प्रिपरेशन चाहिए सबको। ठीक है, तो दिसंबर उसंबर में फिर से उसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे और फिर से इसी टाइम पे आपका एग्जाम होगा अगले साल 2023 के लिए। तो 22 वाला फिनिश हो ही गया है। तो जिन बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तैयारी करना है, पीसीएस के लिए तैयारी करना है, आरओ आरओ के लिए तैयारी करना है, वो परीक्षा प्लस टीम से जुड़ जाएं, क्योंकि परीक्षा प्लस ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर चुकी हैं। तो जीएस फाउंडेशन में जिन्हें भी जुड़ना है, खासकर जो पीसीएस वाले हैं और आरओ आरओ वाले, वो जुड़ सकते हैं उससे और अपनी तैयारी, क्योंकि वो साल भर बैच चलता है और उसकी वैलिडिटी साल भर रहती है। ठीक है, तो मेन आपके सामने मैं इसीलिए आया था कि जो बीओ है खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपका कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो बाकियों से अलग है, लेकिन अगर मैं कहूँ पढ़ना जो है वो कहीं ना कहीं सब में सेम ही पढ़ना है। जो आपको मैंने बताया पीसीएस हो गया, आरओ आरओ हो गया और बीए हो गया, सबसे पहले किसी का नोटिफिकेशन आएगा बच्चों, तो ये ध्यान रखना सबसे पहले जुलाई में जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, तो जुलाई में जल्दी कभी भी आपको देखने को मिल सकता है बीओ की वैकेंसी खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें जितने भी बीएड वाले बच्चे हैं, मैं अभी पूरी एलिजिबिलिटी बताऊंगा आपको, बीएड और ग्रेजुएशन के साथ जो बीएड किए हैं, चाहे ग्रेजुएशन भैया, इसके ऑलमोस्ट बीओ के जो बताए जा रहे हैं आपके जो पोस्ट की बात करें तो वो आपको 150 से 200 के लमसम पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पिछली बार 300 पोस्ट आया था, तो कम नहीं आ रहा है और ये पोस्ट आपके लास्ट तक बढ़ भी सकते हैं। हो सकता है कि नोटिफिकेशन में कम हो लेकिन लास्ट में बढ़ जाते हैं, जैसे आपने पीसीएस 2022 का देखा कि लास्ट में जब हुआ था एनटी के पोस्ट आपके बढ़ गए थे। ठीक है, तो वैसे आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन अभी ये इतना मान के चलो कि इसके बीच में ही आपको कहीं ना कहीं पोस्ट देखने को मिलेगा। और आरओ आरओ की बात करें, ये खंड शिक्षा अधिकारी की हो गया और इसके लिए कंपटीशन, मैंने ये बोला कि यहाँ बी आ जा रहा है कि अभी 150 पोस्ट आपके एआरओ की कहाँ मिला है हमें अधियाचन और 50 पोस्ट आरओ का, लेकिन और अभी आना बाकी है। ठीक है, तो इसका नोटिफिकेशन हम कह रहे हैं कि जुलाई लास्ट तक या मिड अगस्त तक आपके सामने मिल सकता है।
जुलाई लास्ट या मिड अगस्त तक आपके सामने इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। और पीसीएस की बात करें तो ये दिसंबर उसंबर में, नवंबर दिसंबर के आसपास कहीं आपका इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो इसमें जो पोस्ट है तो ये मान के चलो 250 से 300 के अप्रोक्स पोस्ट हो सकता है कि शुरुआत में कम हो लेकिन में लास्ट में जाते जाते बढ़ जाएगी पोस्ट। उसी हिसाब से अगर पीसीएस से 400 देखने को मिल सकता है लेकिन हो सकता है कि शुरुआत में आपको 250 ही पोस्ट आए उसके बाद बढ़े जैसे 22 में हुआ था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको उससे मतलब नहीं, आपको एक सीट चाहिए, एक सीट के लिए फाइट करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आपकी प्रिपरेशन की, तो भैया देखो यहां पीसीएस, यहां आपका बीई हो गया, इन तीनों चीज में कॉमन क्या है, प्रीलिम्स है। जो प्रीलिम्स में जीएस का पार्ट है, सिलेबस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बहुत कम पॉइंट डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, आते हैं पीसीएस में, आपको सबको पता है। इसमें आपको 140 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, और इसमें आपको 120 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बस मार्किंग का अलग अलग फंडा है सब में, ठीक है। यहां पर आपका 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स का होता है, ये 140 क्वेश्चन एक नंबर का, मतलब 140 नंबर का होता है, और 60 क्वेश्चन इसमें एक एडिशनल है कि हिंदी आता है, और हिंदी बहुत आसान होता है, 6 टॉपिक होते हैं, सबसे 10-10 प्रश्न होता है, ये तो एकदम आपके लिए बेनिफिट है। लेकिन जो मैं बता रहा हूं कॉमन क्या है, जीएस पोर्शन, और जीएस का जो सिलेबस है, चाहे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर जो भी है आपका करंट है, वो तीनों में आप कहीं ना कहीं एक ही जैसा पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, एकदम करते हो, ठीक है। तो समझ लो कि वही चीजें आपको तीनों में आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात कि यहां पर सिर्फ जीएस का पेपर होता है, यहां पर भी सिर्फ जीएस का ही पेपर होगा जिसमें 120 क्वेश्चन आएगा और 300 मार्क्स का रहेगा ये, ठीक है। ये मार्क्स इसके अलग होते हैं, लेकिन इसके और इसके बीच में ज्यादा सिमिलरिटी, मैं कहूं तो आर ओ आर ओ और बीए के बीच में ज्यादा सिमिलरिटी है। अब ऐसा नहीं है, अगर पेपर की बात करें तो बीओ का जो पेपर हुआ था वो पीसीएस को टक्कर देने वाला था, कॉन्सेप्चुअल हुआ था, फैक्चुअल नहीं था ज्यादा उसमें, ठीक है। तो ये तो आयोग की देन है भाई, आयोग पेपर को हर 2-3 सालों में ट्रेंड उसका चेंज होता है, कभी कॉन्सेप्चुअल ज्यादा होता है तो कभी फैक्चुअल ज्यादा होता है, तो वो हम पीसीएस को कभी भी अंदाज नहीं लगा सकते कि कैसा पैटर्न हो सकता है, ठीक है। हम 2-3 साल की एनालिसिस पर हम डिपेंड करके अगला पैटर्न डिफाइन करते हैं, बस ये जान लो। तो ये 120 क्वेश्चन में इसमें आपके 10 से 12 मैथ पूछे जाते हैं, ऐसे ही यहां पर भी 15 क्वेश्चन आपके क्या पूछा जाता है, एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग और मैथ दोनों आता है। तो इसमें रीजनिंग प्लस मैथ आपके आते हैं, इसमें भी रीजनिंग प्लस मैथ आता है। तो कहीं ना कहीं इनकी अगर तैयारी करना है तो बच्चों ये दोनों आपका एक साथ तैयार हो जाएगा। और जिनको भी बीयू स्पेशल टारगेट करना है, जो बीएड किए हैं, एलटी डिप्लोमा किए हैं, तो उनके लिए परीक्षा प्लस संस्था ने टारगेट बैच अनाउंस कर दिया है, ठीक है। टारगेट बैच बीओ के लिए अनाउंस है जितने, क्योंकि हमने इससे पहले भी बीओ का पीडीएफ बैच बनाया था और उसमें 500 प्लस हमारे पास बच्चे थे, ठीक है। उस समय हमें पास 500, आज भी वो बच्चे हैं, और ये सिर्फ पीडीएफ बैच था। और इस बार संस्था आपको वीडियो क्लासेस के साथ मिलेगी, पूरी की पूरी वीडियो क्लास मिलेगा, पूरा नोट्स मिलेगा, पूरा प्रैक्टिस सेक्शनल प्रैक्टिस सेशन भी होगा, कम से कम 50 प्लस सेक्शनल होगा आपका, फुल लेंथ टेस्ट होगा आपका, 10 प्लस तो रहेगा ही रहेगा, ये ध्यान रखना। वीडियो क्लास पूरी रहेगी आपके, जीएस के हर एक पोर्शन की रहेगी। तो ये देखो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास आपको दिया जाएगा, भरपूर आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट भी रहेंगे, स्टडी मटेरियल आपको रहेगा, डाउट सेशन भी लिया जाएगा, और कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगा, ठीक है, ये मान लो। और अभी जो है इसकी जो प्राइस है वो 3000 है, लेकिन जितने भी हमारे पुराने बच्चे, क्योंकि हमारे बीओ पहले से भी चला रखा है, उनके लिए खास कर ये ऑफर है, और इस ऑफर में नए बच्चे भी भाई लुत्फ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनके लिए नहीं है। ये पूरा का पूरा 80% डिस्काउंट के साथ 599, मात्र 599, ठीक है। ये कोर्स कितने का मिलता है बाकी संस्थाओं में, ये लग जाता है, जो लगा है ना इसके आगे एक और 9 लग जाता है, ठीक है। तो सिर्फ 599 में आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, एक हफ्ते के बाद इसकी क्लासेस भी आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। तो जिन्हें भी रजिस्ट्रेशन करना है भाई, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करो गूगल प्ले स्टोर से, ध्यान रखो क्या करना है, परीक्षा प्लस ऐप इंस्टॉल करना है आपको प्ले स्टोर से, वहां पे रजिस्टर करो, वहां पे आपको कोर्स दिखेगा बीईओ टारगेट बैच, ठीक है, उस पे आप लोग एनरोल कर सकते हो। और जिन्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी हो रही है तो इस नंबर पे भैया, ये जो नंबर है संस्था का, इस पर कॉल करो, 91-29-69-70-80, आपको सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
और रही बात जो बच्चे पीसीएस और आर ओ आर ओ को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसका उतना कंफर्मेशन नहीं, मैंने कहा जुलाई अगस्त तक नोटिफिकेशन, लेकिन बीओ जुलाई में नोटिफिकेशन आपके सामने होगा, ये 100% कंफर्म है। ठीक है, अभी हम बात करें आर ओ आर ओ के लिए और पीसीएस के लिए। तो इसके लिए बच्चे जो आप लोग लगे हो तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए कोर्स जो है हमारा ऑलरेडी जीएस फाउंडेशन चल रहा है, जो हमारा हर साल चलता ही चलता है, और इसकी वैलिडिटी जो होती है ये 1 ईयर की होती है, और इसमें बहुत बेहतरीन जीएस पढ़ाया जाता है, कॉन्सेप्चुअल के साथ साथ फैक्चुअल आपके भी बताए जाते हैं, कुछ आपके आंसर राइटिंग के टिप्स भी दिए जाते हैं इसमें। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन ये बैच चलता है, पूरा डिटेल में चलता है जीएस फाउंडेशन के नाम से। इसमें आपको जो जीएस है ना 150 पीसीएस वाला क्वेश्चन और 140 क्वेश्चन आपका किसका आर ओ आर ओ का, वो कवर हो जाएगा। बाकी जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो टारगेट बैच दोनों के अलग अलग निकलेंगे। टारगेट बैच क्या होता है कि 4 महीने में ही कंप्लीट हमें करना होता, एग्जाम ओरिएंटेड होता। अभी आप जीएस के महारथी बनना चाहते हो क्यों, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आर ओ आर ओ और पीसीएस के लिए, आप कोई भी एग्जाम से जीएस से तंग हो, कहा जाता ना आप इस चीज से तंग हो कि जीएस नहीं आती है सर मुझे, तो मैं बोल रहा हूं कि आप जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके देखो, फिर अगली बार नहीं कहोगे मेरे सामने आकर कि सर मुझे जीएस नहीं आती है, जीएस में मेरे नंबर नहीं आते हैं। ठीक है, इतनी बेहतरीन फैकल्टी है और इतनी बेहतरीन तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक को आपको क्लियर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी बच्चे भाई जुड़ना चाहते हैं, ये आपका अभी जो है बहुत भयंकर ऑफर चल रहा है, इसमें बोला जाए भयंकर जो बोला जाता है, ये अभी आपका 499 में है और जल्दी इसका ऑफर समाप्त हो जाएगा, काफी दिनों से चल रहा है। तो जिन्हें भी इनरोल करना है वो जीएस फाउंडेशन में कर सकते हैं, जीएस फॉर ऑल एग्जाम बोल सकते हो, और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, सभी एग्जाम के लिए। ये आपका मेनली टारगेट पीसीएस और आरओ को करके किया जाता है, 1 साल का ये बैच होता है। ठीक है, अगर किसी को कोई समस्या है, कोई परेशानी है किसी एग्जाम से रिलेटेड, बीओ वाले निश्चिंत रहो, उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो सबके मन में अभी संशय होगा कि बीटीसी बीएड कैसे भर सकते हैं कैसे नहीं, वो जल्दी अगली वीडियो में आपको कंफर्म कर दिया जाएगा और बहुत ही क्लियर कट बताया जाएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अगली वीडियो जरूर देखना मत भूलिएगा। आप लोगों को अगर कोई समस्या कोई दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट करिएगा, और जो अभी आप सुझाव देना चाहते हैं इस रिलेटेड तो आप कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।